हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कम्पिटेटिव वर्ल्ड। दोस्तों, आपका कम्पिटेटिव वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज आपका 27 तारीख है, कल आपका 26 तारीख था, जिसमें एमटीएस का आपका पेपर था ग्रुप सी एयरफोर्स के अंदर। सिविलियन का जो पेपर चल रहा है उसमें 26 अक्टूबर 2021 को एमटीएस का आपका पेपर हुआ है। तो इसका हम एग्ज़ाम रिव्यू एनालिसिस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत लोग की डिमांड रहती है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस एग्ज़ाम का कहीं भी अवेलेबल हो नहीं सकता। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स शेयर करते हैं वो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस होंगे इसमें, आंसर आप खुद ब खुद ढूंढ लो। बिकॉज ऑफ यू मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा खुद का भी पेपर है तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला विथ आंसर्स बनाने का। तो मैंने ये वीडियो आपको सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बना दिए। आने वाले अगर कैंडिडेट्स किन्हीं का एमटीएस का पेपर है तो वो इस वीडियो को देख के सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। और अगर किसी को डाउट हो कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो बहुत लोग ने कल इस स्टेशन के अंदर एमटीएस का पेपर दिया है। ये मैंने सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू अपलोड किया है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का मुझे किसी से अवेलेबल हुआ नहीं। तो सेकेंड शिफ्ट में जिन्होंने भी पेपर दिया होगा वो एक बार अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्वेश्चंस अगर सही हैं कि गलत हैं। मेरे हिसाब से 100% क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस कल एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। एक बात और, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर 3 घंटे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, एग्ज़ाम कितने देर का होगा। तो एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होता है, ठीक है। जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू होगा उससे आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाता है एग्ज़ाम पूरा करने के लिए। साथ ही साथ ये जान लो कि 3 घंटे क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे। 3 घंटा आपका इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप गेट के अंदर एंट्री करते हो, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन में आपका पेपर है, एयरफोर्स स्टेशन काफ़ी बड़ा होता है, तो जब भी आप गेट में आपका वेरिफिकेशन के बाद एंट्री हो जाता है, उसके बाद आपको बस और ट्रक से कहीं सेंटर पे ले जाया जाता है। तो उसमें जो टाइम जाता है उसको इंक्लूड करके आपको 3 आवर्स टाइम लिखा हुआ है। पेपर आपका 2 घंटे का ही है। ये जो एग्ज़ाम रिव्यू आप देखोगे वो है आपका एयरफोर्स स्टेशन देवलाली का, ठीक है। नासिक के अंदर जो देवलाली है उसमें आपका एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो एमटीएस का पेपर हुआ है उसका एग्ज़ाम रिव्यू है। तो जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर खैर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोग का एमटीएस का पेपर अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग जगह पे और अभी होना बाकी है। तो वो अगर ये वीडियोस देख जाते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प होगा, इसलिए मैंने अपलोड किया है। बाकी जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, साथ ही में आपको क्वेश्चन पेपर भी घर ले जाने को नहीं मिलता है और ना कहीं ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, तो इसके कारण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। YouTube पे ही आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देके आते हैं और वो कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करते हैं उनको लेके हम वीडियो बना देते हैं। हालांकि ये इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने GK, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग चारों के ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। लगभग आपको एग्ज़ाम के 60-70% क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिए हैं, जितने मेरे से हो सका। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी सेम पैटर्न पे पूछे गए हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एडमिट कार्ड दिखा दूं। जिस बंदे ने कल इस सेंटर पे एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड है ये, ठीक है। आप देखो तो मैं इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, सो दैट्स वाई मैंने इसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड सिग्नेचर एंड फोटोज़ एंड रोल नंबर पे मार्क करके रखा है। तो आई थिंक आप लोग को भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस देख लो, 25 ED एयरफोर्स स्टेशन देवलाली के अंदर पेपर था, एडमिट कार्ड ये रिटन टेस्ट का है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइड भी हो चुका है, 7 नंबर काउंटर पे इन्विलेटर का सिग्नेचर भी है। साथ ही में 26 तारीख को पेपर था नासिक के अंदर, टाइम आपका रिपोर्टिंग था 11:30 से 12:30, शिफ्ट आपका सेकंड था, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी बता दिया कि इस बंदे का पेपर था, इन्होंने एग्ज़ाम का डिटेल्स शेयर किया है। आगे अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दें। ये हमारा चैनल कम्पिटेटिव वर्ल्ड। 26 अक्टूबर का ये पेपर था, सेकंड शिफ्ट का ये एनालिसिस हो रहा है आपका एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका एग्ज़ाम रिव्यू हम देखने वाले हैं। किस पेपर का? एमटीएस का। आज आपका स्टोर कीपर का पेपर है, कल आपका स्टोर सुपरिटेंडेंट का है। उसके लिए जिन भी कैंडिडेट्स का पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एयरफोर्स स्टेशन देवलाली के अंदर आपको 100 क्वेश्चन एमटीएस में पूछे गए थे, टाइम अलॉट था आपको 2 घंटे का। GK में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था आपका रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, आपके पास 4 रिवर का ऑप्शन था, उसमें से एक रिवर ऐसा था जिसका ओरिजिनेट पॉइंट इंडिया में है। सेकंड क्वेश्चन,
कालीपटरू एक जगह है साउथ में, या तो चेन्नई या तो त्रिवेन चेन्नई के कर्नाटक तेलंगाना एंड वन ऑप्शन इज़ मोर। तो उन सभी जगहों में से ये जो कालीपटरू है वो कहाँ सिचुएटेड है? आरबीआई का हेड क्वार्टर क्या था? ऑप्शन था आपके पास लखनऊ, मुंबई, दिल्ली एंड कलकत्ता। ऑप्शन आंसर आपका सिचुएटेड, ये पहले था कलकत्ता में बट चेंज हो गया है मुंबई में। मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पावरफुल और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में कौन सा है? विच स्टेट स्टार्टेड कोर्स इन योगा साइंस, योगा साइंस में किस स्टेट ने एक कोर्स डिग्री कोर्स शुरू किया है? तो ये आपका दिल्ली है। चिनूक से क्वेश्चन था कि चिनूक किस चीज़ को दर्शाता है या फिर किस चीज़ का नाम है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन था ये, क्योंकि चिनूक एक हेलीकॉप्टर का भी नाम है और चिनूक एक मतलब चिनूक एक विंड के नाम से, हवा के नाम से भी जाना जाता है, और ऑप्शन में दोनों ही दे रखा था, चिनूक विंड भी था कोल्ड विंड एंड चिनूक हेलीकॉप्टर भी था। एयरक्राफ्ट एक ऑप्शन में था आपको, एक और एक साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका करके एक था। चिकन पॉक्स रीजन मतलब चिकन गुनिया था वहाँ पे, चिकन गुनिया किस कारण से फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस एंड समथिंग लाइक, ऑप्शन था आपका। वैदिक शिक्षा और संस्कार स्टार्टेड वेयर मतलब किस स्टेट ने वैदिक शिक्षा और संस्कार स्टार्ट किया है? ऑप्शन में आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड वन एक और था कुछ। ग्लोबल अवार्ड रिलेटेड था एक क्वेश्चन आपका, फिल्म इंडस्ट्री से था क्योंकि चारों ऑप्शन में फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता के नाम थे, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, आमिर खान एंड अक्षय कुमार। उनमें से शायद ग्लोबल अवार्ड रिलेट ग्लोबल अवार्ड ही था समथिंग, इस तरह का अवार्ड किसे दिया गया है? एक क्वेश्चन था आपका संगीत दिवस, वो कब मनाया जाता है? नेक्स्ट एक बायो से क्वेश्चन था आपका, प्लेग्यू इज कॉज्ड बाई ए प्रोटोजोआ एंड समथिंग करके ऑप्शन था। एक क्वेश्चन आपका था फिर, नरेंद्र मोदी गिवन टैंक टू इंडियन आर्मी, नरेंद्र मोदी ने एक टैंक प्रोवाइड कराया है इंडियन आर्मी को, उसका नाम क्या था? ऑप्शन में आपको नेम ऑप्शन था आपका अर्जुन, अजय, भीष्म एंड एक अल खालिद करके था। डेमोग्राफी मीन्स क्या होता है? डेमोग्राफी इन द सेंस कि एक इसका अगर हिंदी मीनिंग आप जानना चाहो तो संख्यिकी, जिसको मतलब ऑप्शन में था पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉपुलेशन का डेथ और बर्थ रेट मेंटेन करना है, इनमें से कोई नहीं ऐसा था। परमवीर चक्र अवार्ड किसके द्वारा फाउंड किया गया है या किसके द्वारा सुझाया गया है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हल्का सा कन्फ्यूजन है तो, लेकिन था ये क्वेश्चन एक अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें चार लोग के नाम दिए हुए थे, उनको बताना था कि किस किस आदमी ने इसे सुझाव दिया है या किसने फाउंड किया है, इस तरह का था। उसमें एक क्वेश्चन था आप एक ऑप्शन था आपका वेंकी नायडू, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं इंडियन आर्मी के। एक क्वेश्चन आपका फिर पिनाका रॉकेट से था, क्योंकि इसको शायद किसने लॉन्च किया? DRDO, इसरो, नासा और डेस्टो। ऑप्शन में आपको DRDO, नासा, डेस्टो एंड इसरो था, तो आई थिंक इसका आंसर मे बी DRDO होना चाहिए, आप एक बार देख लेना, आई एम नॉट एज सीओ, तो आप एक बार देख लेना। ये थे आपके GK के क्वेश्चन। बात करते हैं अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन इस तरह के देखने आए थे। पांच क्वेश्चन आपका स्पॉट द एरर से था, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको चार भाग में बांटा हुआ था, लास्ट पार्ट में नो एरर था और तीन पार्ट में आपको बताना था क्या इस पार्ट में एरर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नो एरर पे मारना था और जिस पार्ट में है उसको आपको टिक करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका IDM एंड फ्रेसेस से, वो भी पांच क्वेश्चन था। एक मुहावरा जिसको आप हिंदी में मुहावरा कहते हो, वो आपको वर्ड दिया हुआ था, उस वर्ड को कौन सा मीनिंग सही बैठता है ये आपको बताना था। फिर पांच क्वेश्चन आपको सिमिलर मीनिंग वर्ड से था, एक वर्ड आपको दिया हुआ है उस वर्ड का कौन सा सिमिलर मीनिंग हो सकता है, मतलब पर्यायवाची आप जिसको हिंदी में कह सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन स्पेलिंग चेक से भी पांच क्वेश्चन थे, आपको गलत सही स्पेलिंग करके दिया हुआ, उसमें आपको चेक करना था कौन सा एक स्पेलिंग सही है। फिफ्थ पांच क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक से, आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, उसमें आपको कौन सा वर्ड ग्रामेटिकल फिट होता है वो चेक करना था। इसमें शायद आपको सिमिलर मीनिंग वर्ड्स में शायद तीन क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन अपोजिट से थे, तो इस तरह के वर्ड्स कौन कौन से आप एग्जाम अगर आपका है तो आप जाने से पहले इन सब वर्ड्स को एक बार देख लेना, क्योंकि रिपीट कर सकता है। एनेक्शियर था आपका सिमिलर मीनिंग वर्ड में, कॉन्ट्राडिक्शन था, स्क्रीम था अपोजिट में, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिलाइट, ये पांच तरह के पांच वर्ड मुझे अवेलेबल हो सके, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन आपको है, एक था अगर माँ 5 साल अगर माँ अपनी बेटी से 5 साल बड़ी है, सॉरी
अगर माँ 5 साल पहले अपने बेटी से 3 गुना बड़ी थी, ठीक है, और अब वो 2 गुना बड़ी है, तो बेटी का उम्र क्या होगा? तो ये आपको एक क्वेश्चन था। सेकंड वन इज दैट ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, और ए और बी दोनों मिलके उसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में करेगा? नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपको, दो चेयर और एक टेबल का अगर दाम 1250 रुपये है, और दो चेयर का दाम जो है वो एक टेबल के बराबर है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सम ऑफ वन चेयर एंड वन टेबल। एक चेयर और एक टेबल का दाम मिला के कितना रुपए होगा? ये आपका क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको काफ़ी, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड मास से करना था, वो ब्रैकेट और जिस तरह से बोर्ड मास से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है मेथड वाइज प्रोसेस वाइज, वो करना था। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव थे, इन द सेंस आप कहो कि 0.8 गुना, 0.9 गुना, 0. समथिंग, ऐसे करके बहुत लंबे लंबे लेंदी लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, वो आपके सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से आपको एक क्वेश्चन था कि अगर एक आदमी ने 1050 रुपये 3 महीने में इन्वेस्ट करके 27 रुपये का इंटरेस्ट कमाया, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला? ठीक है, अगर 1050 इन्वेस्ट करके 3 महीने में उसे 27 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है, तो फिर आगे उसे कितना का इंटरेस्ट हुआ? 2.5% एक ऑप्शन था, फिर 5% था, 10% था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो से आपका 2 क्वेश्चन था, एक था कि मिल्क और वाटर, अगर एक मिल्कमैन अगर 45 लीटर दूध बेचता है, उसमें उसका 4:1 का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और उसमें फिर ऐड किया जाता है 4 लीटर वाटर और 1 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, तो उसका न्यू रेशियो प्रोपोर्शन कितना होगा? ये एक क्वेश्चन था रेशियो से आपका। एक और क्वेश्चन था ग्राफ से, एक आपको ग्राफ दिया हुआ था एक लाइब्रेरी में बुक्स का, उसमें पूछा गया था कि सबसे कम, ग्राफ देख के आपको बताना था कि सबसे कम बुक्स किस सेक्शन में हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एलसीएम से था, 4 नंबर दिए हुए थे, उसका एलसीएम बताना था आपको। वन क्वेश्चन इज दैट, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें अगर जो लोग ने काफ़ी वक्त भी लगाया होगा, बहुत लोगों ने बहुत कम समय में बना लिया होगा। एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ था 2 नंबर का, उसमें से एक नंबर भी आपको दिया हुआ था, बट एक नंबर मिसिंग था, वो दूसरा नंबर आपको बताना था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऐड कर लोगे, एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन था कि 2 नंबर दिए हुए थे, उसका पूछा गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। लास्ट पार्ट हमारा रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग से, क्योंकि काफ़ी सीरीज वाइज क्वेश्चन थे, सो हर तरह के नंबर्स और सीरीज को याद करना मुश्किल था, तो उतना तो आपको शेयर नहीं हो पाएगा, बट हाँ एक अनुमान आपको लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन था, वही कि अगर एक औरत कहती है एक जेंट्स को कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की बेटी है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन था? इस तरह के 2 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन थे, जो भी आपको सीरीज दिए हुए हैं 2, 4, 6 करके ऐसे, उसमें से आपको ऑड वन पिक करना है, या तो उसको आपको सीरीज को पूरा करना है, या उसमें कहीं गलती ढूंढना है, इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका फिर यहाँ मैंने, सॉरी नोट नहीं कर पाया, ए बी सी जो अल्फाबेटिकल सीरीज एक चलता है, ए ए बी डैश बी बी सी, इस तरह से एक क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आता है फाइंड ऑड वन, इस तरह के क्वेश्चन थे जिसमें आपको एक ऑड वन फाइंड करना था, मतलब क्या उसमें एक अलग है। फिर था एक क्वेश्चन था आपका जिसमें 5 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें आपको इस तरह के वर्ड दिए गए थे बुक, शो और गिटार, और ऑप्शन में आपको ये बताना था कि जो बुक है उसको कौन सा एक बेटर डिस्क्राइब करता है। तो बुक वाले ऑप्शन में आपको था पेजेस, लर्निंग एंड समथिंग एल्स, तो बुक सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किसको करता है? पेज यानी पृष्ठ को। शू से था शोल, वॉकिंग एंड लेदर एंड समथिंग, तो शू आप जानते हो, शू में आप कह सकते हो कि सोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वॉक तो आप चप्पल पहन के भी कर सकते हो और खाली पैर भी कर सकते हो। दूसरी बात, लेदर तो हर एक शू लेदर का नहीं होता, बहुत सारे शू प्लास्टिक के भी होते हैं, बहुत सारे शू अदर मटेरियल के भी होते हैं। गिटार से एक था, तो गिटार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो स्ट्रिंग यूज होता है, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब तार, जब गिटार में तार नहीं रहेगा तो आप गिटार बजा नहीं सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन थे आपके पेपर में एमटीएस के, कल के सेकंड शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, एमटीएस सेंटर आपका मैंने क्या बताया, देवलाली, सेकंड शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी वीडियो, वो कैंडिडेट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो कल एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि सारे क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। ठीक है,
और जिनका भी पेपर अभी आने वाला है, बहुत लोग ने कमेंट किया है कि किन्हीं का 10 नवंबर, किसी का आगे, अलग अलग सेंटर कर्नाटका और मुंबई सब जगह पेपर है, तो वो लोग इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख के जाएं, उनको काफ़ी हद तक हेल्प होगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम स्टोर कीपर और स्टोर सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम रिव्यू में, अगर मेरे पास उतने क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए तो। ठीक है, थैंक यू।